सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका और एक प्यारी सी वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल की एक प्यारी सी सीरीज, जहां पर ये एपिसोड 1 होने वाला है। और देख सकते हो हम वापस से जंगल बायोम में। और सच बता दूं, मुझे जंगल बायोम बहुत ही पसंद है। मुझे जंगल बायोम वन ऑफ द फेवरेट बायोम्स में से है। और उसके अलावा मुझे मैसा बायोम पसंद है, काफ़ी कलरफुल रहता है। बट हाँ, बंजर है वो, क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल अब हम ये वीडियो जो है वो सीरीज वाइज होने वाले, और इस सीरीज में हम काफ़ी तगड़ा अपना बेस बनाने वाले हैं। देख सकते हो काफ़ी मस्त है हमारा बेस, और ये जगह भी बहुत सही है। और सच बताओ तो मैं जगह जो है अपने चूज़ करके रखता हूँ, जहाँ पे भी मैं बेस बनाता हूँ अपने पहले आसपास का इलाका जो है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। और ये एक लेक के बीच में एक आइलैंड है, और ये सच बताओ मुझे बहुत पसंद आया। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप मुझे पहला जैसा ही सपोर्ट दिखाओगे जैसे आप पहले मुझे सपोर्ट दिखा देते। नहीं गजब बेइज्जती है। डे 1 का यहाँ पे शुरुआत हो चुका था, और देख सकते हो मैं यहाँ पे हर बार किसी ना किसी पेड़ पे ही स्पॉन होता हूँ। और ना जाने ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, क्योंकि पिछले कई बार से ऐसा हो रहा है, हर बार मैं जो एक पेड़ पे ही स्पॉन होता हूँ। और स्टार्ट होते ही मैंने सबसे पहले वुड को चॉप करना स्टार्ट कर दिया अपने मुक्कों से, और लगता है मेरे पास 2.5 किलो का हाथ। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? 2.5 किलो के हाथ से मैंने इस पूरे पेड़ को जो है वो काट छाट के अलग कर दिया है मैंने सिर्फ अपने मुक्कों से। मुझे लगता नहीं मुझे किसी एक्स वैक्स की जरूरत पड़ती है भाई। और यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा मैंने पेड़ काट लिया। और पेड़ काटने के बाद मैं अपना जर्नी शुरू करता हूँ, आसपास का जो इलाका है वो एक्सप्लोर करने लगता हूँ। और उसके बाद सबसे पहले हमें अपने टूल्स का अपग्रेड करना था, जिसके लिए हमें कुछ वुड प्लैंक्स चाहिए थे, और मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया। और सबसे पहले जो मैंने अपने लिए एक पिकैक्स बनाया, क्योंकि देखो वुड के हमें एक ही टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो है पिकैक्स। और पिकैक्स के अलावा एक्स वैक्स की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जल्दी जो है वो अपने स्टोन के टूल्स में अपग्रेड कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा केव दिखता है, सो मैं यहाँ पे यहाँ से स्टोन जो है वो कलेक्ट करने लगता हूँ। उसके बाद मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल निकालता हूँ, और अपने आप को स्टोन एज में डेवलप करता हूँ, यानी अपने लिए स्टोन टूल्स बनाता हूँ, जैसे पिकैक्स हो गया, एक्स हो गया, ताकि हम और भी जल्दी जो है वो अपनी कटाई जो है वो कर सकें, माइनिंग वगैरह जो है वो और भी जल्दी कर सकें। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ आगे, और यहाँ पर मुझे एक शेप दिखता है जिसे मैं काट छाट के अलग कर देता हूँ, क्योंकि हमें वुल्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी अपने बेड्स के लिए। और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ तो मुझे एक यहाँ पे रिवेन दिखता है, और जो कि केव से कनेक्टेड था। और सच बता रहा हूँ ये बहुत ही बड़ा केव है, लिटरली बहुत बड़ा केव है ये। सो मैं यहाँ नीचे केव में उतर गया था, और यहाँ पे मैं कुछ अपने लिए कुछ चीज़ें जो है वो क्राफ्ट कर रहा था, जैसे टॉर्चेज वगैरह हो गए, और लगे हाथ मैंने कुछ वोल्स भी कलेक्ट कर लिए थे, अपने लिए बेड वगैरह भी बना लिए थे। और ये केव में नीचे उतरने का मुझे रास्ता ढूंढना पड़ा था, और उसी वक्त मैंने सभी बेड जो है वो अपने लिए क्राफ्ट कर लिए थे। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने लिए एक छोटा सा बेस बना रहा हूँ, जहाँ पे बेड मैं अपना स्पॉन हो सकूँ, और अगर मैं मरता हूँ तो। और यहाँ पर देख सकते एक ज़ॉम्बी मुझे हमला करता है, और सच बता रहा हूँ ये ज़ॉम्बी जो है बहुत वीक था। फिलहाल अब हम यहाँ पे अपना माइनिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे आयरन चाहिए थे, और मैं चाहता था कि यहाँ से जितना ज़्यादा जो है वो केव से आयरन वगैरह कलेक्ट कर सकूँ, कलेक्ट कर लूँ। अब सच बता रहा हूँ ये केव बहुत ही डरावना था, मतलब लिटरली बहुत अंधेरा था नीचे। और नीचे जाने से पहले मुझे अपने आप को कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, बट मैं हिम्मत करके नीचे उतरता हूँ, यहाँ पे कुछ टॉर्चेज वगैरह लगाता हूँ, और आयरन कलेक्ट करने के लिए काम पे लग जाता हूँ। अब यहाँ पे रास्ते में कुछ जॉम्बीज ने मुझ पर हमला कर दिया था, और सच बता रहा हूँ ये बहुत ही वीक थे। और यहाँ पे मुझे एक कैरेट भी मिलता है, जो कि काफ़ी सही था, और इन फ्यूचर हम अपने लिए कैरेट का फार्म भी बना सकते थे कैरेट्स की मदद से। और यहाँ पर मैं कुछ आयरन भी मुझे दिखते हैं, और लिटरली यहाँ पर इस माइनिंग स्टेशन में मैं अपने लिए थोड़े बहुत आयरन लेके आता हूँ, और यहाँ से मैं अपने लिए एक शील्ड बना के ले जाता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर अगर क्रीपर वगैरह या फिर स्केलेटन वगैरह मिल जाता है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। देख सकते हो शील्ड के साथ मैं थोड़ा सेफ फील कर रहा था। और थोड़े बहुत आयरन कलेक्ट करने के बाद अपने लिए मैंने लेगिंग्स बनाए आयरन के, और चेस्ट प्लेट बनाया, ताकि अपने आप को थोड़ा बहुत जो है वो प्रोटेक्ट कर सकूँ अगर कोई स्केलेटन वगैरह जो है या फिर क्रीपर वगैरह मुझ पर हमला करता है। सो यहाँ पर मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल उठाता हूँ, और नीचे माइनिंग पर चला जाता हूँ। नीचे उतरते ही मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो है वो
जो भी मुझे रेयर ओर दिखता है वो था लैपिस, और यहाँ पे मुझे लैपिस दिखता है सो मैं यहाँ लैपिस भी है कलेक्ट करने लगता हूँ, और ना जाने ये मेरा कैरेक्टर पागल हो गया है। और लगता है यहाँ पे ये लोग पार्टी करके आ रहे थे, पूरे टल्ली वली थे यार, तो इन्हें भी मैं मार के ख़त्म करता हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ रेड स्टोन्स भी दिखते हैं जिसे मैं कलेक्ट करता हूँ, और रेड स्टोन जो है इन फ्यूचर मुझे किसी ना किसी बिल्ड्स में ज़रूरत पड़ सकता है, तो यहाँ पे मैं रेड स्टोन्स भी उठा लेता हूँ। पर क्योंकि मुझे दूसरे केव्स में जाना था, और यहाँ पे मुझे एक स्केलेटन दिखता है जिसे मारने के बाद मैं वापस माइनिंग पे लगने वाला था। अब सच बताओ तो मेरी चीखें निकल रही थी, क्योंकि हमें हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट जो है वो डायमंड मिल चुका था, और ये टोटल 5 से 6 विन था। और सच बताता हूँ 5 से 6 विन्स बहुत ही रेयर हो चुके हैं, और केव सिस्टम्स में आपको 5 से 6 डायमंड जो है वो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो है उन्होंने डायमंड्स के चंक्स जो है वो कम कर चुके हैं, मतलब 2 से 3 डायमंड हर वेन में आपको मिलते हैं, बट 5 से 6 डायमंड्स बहुत ही रेयर होते हैं। अब पूरे माइनिंग सेशन से हम वापस आ चुके हम जा रहे थे, और यहाँ पर मैंने अपने डायमंड कलेक्ट कर लिए थे, और सच बताओ डायमंड बहुत ही मजे आते हैं। फिलहाल माइनिंग सेशन में मुझे कुछ और डायमंड्स भी मिले थे, और यहाँ पर हम अपने जो टेम्पररी बेस था यहाँ पे वापस आ चुके थे, और देख सकते हो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर ली हैं, और लिटरली इतना हमारे लिए इनफ है फिलहाल के लिए। और यहाँ से अब हम वापस अपने बेस ढूंढने के लिए जाने वाले थे, और यहाँ पे मुझे एक बाबा मिलते हैं जो कि काफ़ी ही रद्दी जो था वो सामान लेके आए थे, इन्हें इनका सजा जो था वो मिलना ही था, जाहिर सा बात है। काफी शिप को मारने के बाद हम वापस से जो है अपने बेड को यहाँ पे लगाते हैं, और वापस सो जाते हैं खुले आसमान के नीचे। और यहाँ पर हमारा डे वन जो था, डे 2 3 चल रहा होगा, या डे 4 डे 5 शायद ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लंबा फील्ड था रेड फ्लावर्स का, और सच बताऊँ मुझे तो लग रहा था कि आयरन्स का जो वो कब्रिस्तान था, मुझे सच में बहुत वेयर्ड फीलिंग आ रही थी। फिलहाल हम यहाँ पे बेस पे आए थे, और यहाँ पे जगह मुझे बहुत पसंद आ रहा था, और ये जगह लिटरली बहुत ही सुंदर था। और सच बताऊँ तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, मैं यहाँ पे ब्रिजेस बना सकता था, सामने पहाड़ पे केव्स बना सकता था, और यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ अपने लिए कुछ यहाँ पे फर्नेस बनाता हूँ, जहाँ पे मैं अपने ओर्स को यहाँ पे जो भी मैं माइन करके लाया था उसे स्मेल्ट कर सकूँ, और यहाँ पे मैं वुड्स का यूज़ करके स्मेल्ट करने वाला था। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ चेस्ट भी बनाता हूँ, एक चेस्ट बनाता हूँ जिसमें मैं अपने सारे बेकार के सामान जो है मैं रखने वाला था। उसके बाद मुझे एक और बाबा नज़र आता है, जो कि अली बाबा जो थे वो काफ़ी ही ठीक ठाक जो था वो सामान लेकर आए थे, मुझे शेप भी नज़र आता है, और देखिए तो एक तरह से काफ़ी अच्छा जो था वो सामान लेके आए थे, सो इन्हें मैं नहीं मारता हूँ, इन्हें सज़ा जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, काफ़ी ठीक ठाक जो है वो सामान लिए लेके आए थे, तो मैं इन्हें बख्श देता हूँ और इन्हें जाने देता हूँ। फिलहाल मैं अपने बेस का काम जो है वो शुरू करने वाला था, और सच बताऊँ तो ये बेस बहुत ही एपिक होने वाला है। मेरे हाथों में कुछ मेलन सीड्स है, और मैं इस पैरट को टेम करता हूँ, और ये सच में टेम हो जाता है, और ये हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट पेट था जो कि एक पैरट था, और सच बताओ तो पैरट बहुत अनोइंग होते हैं, मतलब बहुत ही इरिटेट कर देते हैं यार। बट यहाँ पे मैं अपना येलो बेड जो था वो लगा करके मैं सो जाता हूँ, और काफ़ी सुंदर नज़र आता। अगले दिन सुबह उठते ही देख सकते हो हम जो अपने ये जो है शील्ड वगैरह आयरन, मतलब आयरन लेवल पे हम अपग्रेड हो चुके हैं, और मैंने अपने लिए आयरन के टूल्स भी यहाँ पे बना लिए थे, और अब हम यहाँ पे अपना बेस का काम था वो शुरू करने वाले थे। और सच बता रहा हूँ इस बेस में मुझे बहुत सारे वुड्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी, और ये बेस काफ़ी ही एपिक होने वाला था।
बेस का काम ख़त्म हो चुका था और मैं यहाँ पे ग्लास जो है वो अपने बेस पे लगा रहा था, क्योंकि काफ़ी सही लग रहा था, मतलब मुझे चारों तरफ का नज़ारा जो था वो देखना था और इससे बेस काफ़ी सही लग रहा था। तो मैंने आसपास में ग्लास लगाना शुरू कर दिया और ग्लास यहाँ पे ख़त्म हो चुके थे। फिलहाल मैं बेस का काम सही धीरे धीरे मैं कर ही रहा था और मैंने सोचा था कि नीचे जो है वो वुडन फ्लोर्स रहेंगे और काफ़ी ऑसम फ्लोर्स होने वाले थे, जिसके लिए मुझे और भी वुड चाहिए थे। अब यहाँ पे मैं धीरे धीरे अपना बेस का काम कर ही रहा था और मैं सोच रहा था कि क्यों ना डायमंड पे अपग्रेड हो जाया जाए, हो जाना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास कुछ डायमंड थे। तो मैं सोच रहा था डायमंड के कुछ टूल्स बना लेता हूँ, क्योंकि डायमंड के टूल्स से वुड चॉपिंग और माइनिंग वगैरह जो है वो आसान हो जाएगी। सो चलते हैं डायमंड पे अपग्रेड करते हैं अपने आप को। यहाँ पे हमने अपने आप को डायमंड पे अपग्रेड कर लिया था, मतलब कुछ डायमंड के टूल बना लिए थे और यहाँ पे अपने बेस का काम मैं स्टार्ट कर रहा था। और सच बता रहा हूँ, ये पैरेट जो है मुझे बहुत ही इरिटेट कर रहा था, बट क्या ही कर सकते हैं, प्यारा पैरेट है तो इसे मार भी नहीं सकते हैं। और फिलहाल आप ये मॉन्टाज एंजॉय करो। यहाँ पर हमारा बेस जो था वो कंप्लीट हो चुका था और ये सच में मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा टेम्प्ररी ब्रिज बनाया है जो कि काफ़ी ऑसम लग रहा है। और यहाँ पर राइट साइड में मैंने एक टेम्प्ररी फार्म भी बनाया था और ये ब्रिज टेम्प्ररी नहीं है, ये परमानेंट होने वाला है, मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल यहाँ चेस्ट जो है वो मैंने अपने फिल कर चुके थे, मतलब जो जो सामान मुझे मिल रहे थे वो मैं भरता जा रहा था यहाँ पर। और मैं यहाँ पर कुछ सीड्स ले रहा हूँ जो कि मैं यहाँ पर अभी ग्रो करने वाला था। सामने जो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं अपने लिए छोटा सा मैंने काउ फार्म बनाया, इसे मैं बाद में जाके बड़ा करने वाला था। और यहाँ अगर आप सामने देखोगे तो यहाँ पर मैंने अपने लिए छोटा सा केव टाइप का बनाया, अभी केव यहाँ कंप्लीटेड नहीं है, अभी मैं इसे और मॉडिफाई करने वाला हूँ। और ये केव जो है यहाँ पर मैं अपने लिए एक विलेजर फार्म बनाने वाला था जो कि अंडरग्राउंड होने वाला था और ये केव सिस्टम होने वाला था, मतलब पूरा ज़मीन के अंदर जो था वो एक विलेजर बेस होने वाला था। और देख सकते हो मैं यहाँ पर अपने लिए एक माइन भी बनाता हूँ जिससे मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए थे और ये माइन का भी टूर मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। और ये इसी माइन से मुझे थोड़े बहुत, मतलब मैंने ज़्यादा अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, बट जितना किया मुझे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल चुके थे यहाँ पे, जिसे मैं अपने बक्से में भर चुका था। और देख सकते हो यहाँ पर रात हो रहा था और रात में हमारा बेस बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा था। अब फिलहाल यहाँ पर हमारा जो टेम्प्रेरी बेस था, मतलब परमानेंट बेस, काफ़ी सही लग रहा था। और मैं सोच रहा था यहाँ पे ट्री हाउस भी बनाऊं और यहाँ पर रात हो रहा था, देख सकते हो रात में काफ़ी अच्छा लगा था। और फ्लोरिंग जो है मैंने क्रॉस पैटर्न में किया है और जस्ट यहाँ पर हमारा माइन शुरू होता है और ये माइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप था। और सच बता रहा हूँ इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी। और माइन पर मैंने यहाँ पर कुछ टॉर्चेस भी लगाए हुए हैं और मैंने यहाँ पे दो माइन बनाए हुए हैं, एक था माइनस वाला माइन जिस पे मैं यहाँ पर डायमंड्स वगैरह एक्सप्लोर करता था और एक था अबव ज़ीरो जहाँ पे मैं कुछ थोड़े बहुत कॉबलस्टोन्स वगैरह जो था वो कलेक्ट करता था। सो इस पार्ट में हमने अपने लिए काफ़ी तगड़ा बेस बनाया, काफ़ी सुंदर, मुझे तो अपना बेस बहुत ही पसंद आया। और नेक्स्ट पार्ट में हम अपने लिए एक विलेजर हाउस बनाने वाले हैं और एक एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं, मॉब फार्म जिसे हम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा।